हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिवेश फूड रिव्यू फॉर यू। हम आए हैं दिलवालों की दिल्ली घूमने, तो चांदनी चौक आना तो बनता ही है। हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात की और उनको पूछा कि यहाँ पे क्या फेमस है, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे रबड़ी जलेबी बहुत फेमस है, जो कि जलेबी वाला के पास मिलती है। तो चलो वहाँ पे ट्राई करते हैं। हमारी रबड़ी जलेबी आ गई है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो देखते हैं कैसी है। बहुत ही ज्यादा गर्म है। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इतनी अच्छी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। रबड़ी जलेबी खत्म करने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा तीखा खा ले, बहुत ज्यादा मीठा हो गया था, तो समोसा मंगवाया है। दो टाइप के समोसे मिलते हैं यहाँ पे, आलू के और मटर के। हमने आलू का समोसा मंगाया है। समोसा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही गर्म है, और इसके साथ पुदीने की और कोरिएंडर की चटनी है, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो मैं बोलूंगी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चांदनी चौक आते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं चांदनी चौक के फेमस पराठा गली में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे, कौन से पराठा हाउस में जाना चाहिए। फिर हमें मिला 1879 से चल रहा पराठा वर्ल्ड, जहाँ पे 30 से 35 प्रकार के पराठे उपलब्ध है। तो हम अब वहाँ पे जा रहे हैं। हमने मंगवाया है मोमोज पराठा, जो कि 100 रुपए का है। आप देख सकते हैं इसमें स्टफिंग प्रॉपर मोमोज की ही की गई है, तो इसे ट्राई करते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये, कुछ डिफरेंट है पराठे के नाम पे। ये इन्वेंशन अच्छा लगा हमें, ट्राई करना चाहिए। बाकी टाइप के पराठे तो हम हर जगह पे खाते हैं, चांदनी चौक में आके कुछ नया ट्राई नहीं किया तो क्या किया। ये ट्राई किया है मोमोज पराठा, और एक पराठा आ रहा है जो सरप्राइज है, बताते हैं उसमें क्या है। हमारा दूसरा पराठा आ गया है, चीज पराठा, पर इसमें चीज के साथ साथ और भी बहुत सारी स्टफिंग्स है। बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं US पिज्जा में जाके गार्लिक ब्रेड खा रही हूँ। ये पराठा हाउस 4 पीढ़ियों से चल रहा है, और इसके ओनर को इनोवेटिव पराठे बनाने का शौक है, तो वो खुद पहले पराठे बनाते हैं और फिर मेन्यू में ऐड करते हैं। तो ऐसी ही नई और इनोवेटिव जगह की जानकारी के लिए देखते रहिए अभिवेश फूड रिव्यू फॉर यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।